आज के पहले एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं आमिर। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूं नुपुर और ये है हमारी ब्रांड न्यू सीरीज नो योर यूट्यूब स्टार। आज के पहले एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं आमिर। विश मी लक। ओके ओके, आई विल वेट। अरे आमिर खान नहीं, द बेगर वाइन से आमिर। सो लेट्स हैव आमिर ऑन आवर शो। हां जी, वेलकम आमिर। आई जस्ट आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू ऑन आवर फर्स्ट एपिसोड। तो आमिर, बताइए हमें कैसे शुरू हुई आपकी ये YouTube की जर्नी। एक्चुअली अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा गया तो मैं स्टार्ट किया था लाइक 4 ईयर्स बैक। मेन YouTube जर्नी नहीं थी वो, एक्चुअली फेसबुक था। फेसबुक पे हम शॉर्ट वीडियोस बनाते थे इसलिए वाइंस नाम से रखे थे। उसके बाद लोग बोले नहीं लेंथी वीडियोस बनाओ, तो हम लोग YouTube पे शिफ्ट हुए और वहाँ पे वर्ल्ड वाइड हमें ऑडियंस मिली। तो ये है FB से YouTube तक का सफर। हम तीन, एक्चुअली मैं, मेरे भाई और मेरे एक क्लोज फ्रेंड। तो पहली वीडियो में हम बोल सकते हैं कि उस वीडियो का टाइटल होना चाहिए था मैं, मेरा भाई और वो। तो हम अपने व्यूअर्स से यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि आमिर की वो फर्स्ट वीडियो कौन सी थी जिसमें उनके 1 मिलियन व्यूज आए थे। सो व्हाट वाज दैट फर्स्ट वीडियो। एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड तो बहुत ही ज्यादा वायरल हुए। अब आप सोचो 4 ईयर्स बैक आपकी फर्स्ट वीडियो 1 मिलियन व्यूज हिट कर रही है। हम शॉक हो गए थे, हम कि ये क्या हो रहा है। मतलब हमारे लिंगो में हमारा जो एक्सेंट है उसके अंदर पब्लिक को ज़्यादा मिलता नहीं था। एंड पीपल वर लाइक अरे बाप रे ये कौन लोग है हमारे एक्सेंट में इतना मस्त काम कर रहे। तो पता नहीं, हम उतना सोचे नहीं थे। कॉलेज के दौरान शुरू किया एज फन एक्टिविटी, अब रहता है मेरा फ्री टाइम तो हमने स्टार्ट किया और पब्लिक ने ही बता दिया कि भाई पोटेंशियल है, शुरू हो जाओ। आपको रियलाइज हो गया अरे अब तो मैं फेमस हो गया हूँ, एक यू नो यूट्यूब स्टार बन गया हूँ। तो तुम इतने हैंडसम हो, यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ फीमेल फॉलोअर्स। हाँ वो हो जाती है, बस पता नहीं क्यों उसकी मार्केटिंग नहीं की है मैं, वो नेचुरल है। तो आमिर अब आप हमें ये बताइए कि अगर आप एक यूट्यूबर ना होते जी तो आपका क्या प्रोफेशन होता। देखो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ना एडवर्टाइजिंग में बहुत शौक था मुझे। एडवर्टाइजिंग में जब भी बाहर जाता था तो बैनर्स देखता था, टीवी पे एड्स देखता था, अरे ये लोग ऐसा ऐड क्यों बनाते, बैनर्स क्यों बनाते। तो मैं हुई मास्टर्स इन मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और फाइनेंस। तो देखो देखो आप सबको ये सीखने वाली बात है कि अगर हमारा परसेप्शन होता है कि चलो यूट्यूब शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है। हमारे यूट्यूबर्स बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इन्होंने इनका बहुत ही अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड है। सो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी शुड यू नो लर्न फ्रॉम हिम। 3000 का रैंक है मेरा ऑल ओवर तेलंगाना, द इंटेलिजेंट हैदराबादी। तो आमिर जब आप वीडियोस नहीं बनाते तो आप यूजुअली क्या करते हैं। हमने टाइम स्पेंड करना होता है। आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर तो वो। और रही बात, एक डिक्शनरी खोला था वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलकर एक डेफिनेशन था, वो समझ नहीं आया, वो शादी के बाद समझ आया। VVI रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई। जी। सो कभी आपको ऐसा लगा कि इतनी सारी हर्डल्स आ रही हैं वीडियोस बनाने में, मुझे क्विट कर देना चाहिए या मे बी यू नो रीपैटर्न कर देना चाहिए अपने वीडियोस को, तो क्या क्या आइडिया रहा आपका ऐसे प्रॉब्लम्स को, ऐसे हर्डल्स को ओवरकम करने का। देखिए कैसा होता है, हर्डल्स तो हम फेस करते, पब्लिक देखिए अगर आप अच्छा कंटेंट बनाए पब्लिक सपोर्ट करेगी, अगर पसंद नहीं आया तो वो खुद कमेंट्स में बताएगी भाई ये सही नहीं है वो सही नहीं है। तो हर्डल्स अगर देखा गया तो शूट के दौरान होता है क्योंकि इंडियन रोड्स तो आपको पता है कि कैसे नॉइजी होंगे और जमा हो जाएंगे लोग, तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ कंटेंट वाइज अगर देखा गया तो पब्लिक ही बताती है कि क्या हमें चाहिए क्या उन्हें नहीं चाहिए, तो उसके हिसाब से हम बनाते। हमारे 5 चैनल्स है कैटेगराइज, तो हमारा एम क्या रहा इतने चैनल्स का कि कोई भी 10 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक हमें देखें। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम गेमिंग करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, ह्यूमर कॉमेडी एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं, उसके ऊपर हम सीरियस सोशल अवेयरनेस और दुनिया के पॉलिटिक्स की पूरे वीडियोस हम कवर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि मतलब एक 10 साल का लड़के से लेके 60 साल के आदमी तक हमें वॉच करें। ओके
वेरी इम्प्रेसिव गाइज, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय आमिर अ लॉट. सो सी, दिस इज हाउ वी शुड ऑल यू नो कीप ट्राइंग हार्ड, इनोवेट आर सेल्व्स मे बी इफ रिक्वायर्ड, एंड वी शुड नॉट स्टॉप व्हाट वी आर डूइंग. हमें वो करते रहना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट्स लानी चाहिए, बिकॉज एट लास्ट हमारा हार्डवर्क जो है वो हमें पे ऑफ करता ही है. वो तो है, वो तो है. सो थैंक यू सो मच आमिर फॉर बीइंग आवर फर्स्ट गेस्ट. और ये थी हमारी आमिर के साथ दिल की बात. आई थिंक मेरा दिल ठीक बना है. जी जी. यस, थैंक यू सो मच गाइस. सो कीप वॉचिंग आवर चैनल, क्योंकि हम बहुत सारे आपके फेवरेट यूट्यूब स्टार्स को लाते रहेंगे. तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द बैग एंड वाइंस, Amir's Den or TB Knowledge and Truth. Ye channels ko subscribe kariye and make sure to check out Fun English Class as well. So do comment ki aapko aaj ka episode kaisa laga. Like our video and subscribe to Fun English Class.